बालूतरा में हुई महिला के साथ घटना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि लगातार ऐसी घटना शर्मसार करने वाली है। प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। महिला की मौत का कोई जिम्मेदार है तो वो राजस्थान सरकार है। बालोतरा की घटना शर्मसार करने वाली है। राजस्थान में आए दिन इस प्रकार की घटनाओं से बच्चियों में, महिलाओं में, माताओं बहनों में एक भय का वातावरण बना है और दुर्भाग्य है कि बालोतरा में उस महिला के साथ दुराचार किया गया, जला दिया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसकी अनदेखी की। 6 तारीख को घटना हो गई, अपराधी को गिरफ्तार कर लिया तो किसके दबाव में उसके ऊपर केस बाद में दर्ज किया गया? क्यों अगर बर्न यूनिट बालोतरा में नहीं थी तो उसको रेफर जोधपुर क्यों नहीं गया? इसकी मौत का जिम्मेदार कोई है तो राजस्थान की सरकार है। मैं सरकार से मांग करता हूं और उस प्रकार से उस परिवार के लोगों को आर्थिक सहायता दे और उस परिवार को सरकारी नौकरी दे। मैं सोचता हूं इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो सकती। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो राजस्थान की सरकार दोषी है। मैं सरकार से पुनः मांग करता हूं कि उस परिवार को आर्थिक सहायता दे और उसको मुआवजा प्रदान करें।